आपका स्वागत है संदीप के ब्लॉग्स में और सुबह का सभी को नमस्कार। और इस वक्त है दशाश्वमेध घाट के पास, जहाँ पे फ्लोटिंग लगी हुई है और लोगों के डूबने से बचने के लिए फ्लोटिंग का यूज किया गया है। जो काफ़ी लोग डूब जाते थे गंगा स्नान करते वक्त, उसके लिए फ्लोटिंग का काफ़ी अच्छा बनाया गया है। लोगों की काफ़ी सेफ्टी का ध्यान रखा गया है गंगा घाट पर, जहाँ पर लोगों की समस्याओं को दूर किया गया है। तो आज के वीडियो में वो फ्लोटिंग वाले रूट दिखाएंगे और कहाँ पर ये फ्लोटिंग बना है पूरा आपको दिखाएंगे वीडियो के माध्यम से। ले चलते आगे जहाँ पे आपको दिखाएंगे। दोस्तों हम गंगा घाट के पास आ चुके हैं, जहाँ पे आप देखेंगे फ्लोटिंग वाले रूट, जहाँ पे आपको हम दिखाएंगे। और काफ़ी सुविधाओं के साथ लोगों को डूबने से बचने के लिए फ्लोटिंग का उपयोग किया गया है और काफ़ी अच्छी बात है कि साथ ही साथ लोगों की सेफ्टी भी बहुत जरूरी। जो लोग जो तैरना उड़ना नहीं आता था, वो लोग डूबने की आशंका ज़्यादा हो जाती है। तो वो सारा चीज़ आज आप इस वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। और कितनी सुंदर और फ्लोटिंग का निर्माण किया गया है लोगों की सेफ्टी की, वो आपको इस वीडियो में फ्लोटिंग के ऊपर आ चुके हैं, जहाँ पे आप देख रहे हैं किस तरह से जो लोग हैं फ्लोटिंग का यूज करें, जहाँ पे नेशनल के द्वारा डूबने का डर नहीं होता है। और यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह जो है सेफ्टी के साथ जो है फ्लोटिंग का निर्माण आपको जूम करके दिखाते हैं। फ्लोटिंग से डूब गया है, लोग काफ़ी आनंदमय से नहाने वहने का कार्य कर रहे हैं। और जहाँ पे आप देखेंगे किस तरह से जो फ्लोटिंग का काफ़ी सेफ्टी किया गया है, और यहाँ से बीच में जो है डूबने का डर भी नहीं रहता माँ गंगा के आशीर्वाद से। और इस तरह से जो है काफ़ी निर्माण कार्य काफ़ी तेज़ी से हुआ है। आपको ले चलते हैं आगे भी दिखाते हैं फ्लोटिंग के पास का भी, और धीरे से दिखाते हैं किस तरह का जो है धीरे से आपको देखने के लिए मिलेगा। और इस तरह दोस्तों आप फ्लोटिंग का एक पेमेंट कर सकते हैं और डूबने का डर भी नहीं रहेगा आपको। ये सारा चीज़ ऊपर है यहाँ पे, आप देख रहे हैं किस तरह से जो फ्लोटिंग का लोग इन्जॉयमेंट करें। और यहाँ पे सर चारों तरफ से जो फ्लोटिंग जो है हुआ है, और आप देख सकते हैं इसी तरह जो चारों तरफ बाद जो आने फ्लोटिंग के ऊपर, जहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह काफ़ी सुंदरता के साथ जो है सेफ्टी के साथ जो फ्लोटिंग का लोग गंगा स्नान में एंजॉय कर रहे हैं। काफ़ी अच्छी बात है कि लोग फ्लोटिंग का एक मज़ा आनंद में ले रहे हैं। जहाँ पे आप देखेंगे किस तरह जो है काफ़ी तादाद में भीड़ वगैरह, यहाँ पे लोग स्विमिंग पूल का मज़ा लेते हुए इंजॉय कर रहे हैं। और ये देख सकते हैं तो जो कपड़े बदलने वाले चेंजिंग रूम है, जो यहाँ पर चेंजिंग रूम फ्लोटिंग के पास ही बना है। और इसके थोड़े से आगे देखेंगे तो पूरे घाट का नज़ारा दृश्य आप देख सकते हैं किस तरह जो है फ्लोटिंग के बाद आपको जो है डेंजर होगा, क्योंकि यहाँ से जो है फ्लोटिंग को रोक दिया गया है, यहाँ पे स्टॉपिंग किया गया है। और यहीं पे जो है फ्लोटिंग को उतरते हुए बनाया गया है, जिससे लोगों के जो है एक साइड में जो है अपना स्नान वगैरह करते हैं उस साइड में, और पूरी की सेफ्टी के साथ जो है स्नान वगैरह को देखेंगे तो यहाँ पर फ्लोटिंग वगैरह। और आगे भी देखेंगे किस तरह जो है फ्लोटिंग को बनाया गया है, जहाँ पर लोगों को देखेंगे पूरे घेरे में जो बना दिया गया है वहाँ पर काफ़ी सेफ्टी के साथ, वो भी आपको दिखाते हैं। और ये चेंजिंग रूम है, इसके बगल में ले चलते हैं, यहाँ पे आपको दिखाएंगे कि किस तरह का जो फ्लोटिंग के साथ जो है घाटों पे जगह जगह जो आप शीतला माता मंदिर के पास आएंगे वो दृश्य आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। और ये देखिए पूरे गोल आकार में जो है फ्लोटिंग को बनाया गया, काफ़ी सुंदर तक है। यहाँ पे आप देखेंगे वो भी आपको दिखाते हैं, लोग इन्जॉयमेंट। और यहाँ पे फ्लोटिंग पूरा पकड़ सकते हैं, ये देखिए पूरा का पूरा जो आप देखेंगे पूरे चारों तरफ जो है आदमी डूब नहीं सकता। और यहाँ पे जो है चलने फिरने के लिए देख सकते हैं आदमी आराम से इसके ऊपर चल फिर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से चले और लगे हुए हैं, जो आसानी से जो है पानी वगैरह से चलेंगे किस तरह से जो है पूरा का पूरा जो फ्लोटिंग है। और यहाँ पे देख सकते हैं बीच में जो है पानी है, और यहाँ से जो फ्लोटिंग जो है चारों तरफ से देखिए लगे हुए हैं, जो फ्लोटिंग का जो है जो लोगों को जो है पानी में नहाने के लिए आराम रहता है और डूबने का डर भी यहाँ पे खत्म हो जाता है। इस प्रकार जो है गंगा के पास जो फ्लोटिंग का निर्माण कार्य किया गया, और जगह जगह पर देख रहे हैं कि इस तरह फ्लोटिंग को गोले में घेर कर जो है पानी में डूबने की आशंका है लोगों को कम हो जाती है। और काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों, इस तरह का जो यहाँ पे निर्माण कार्य जो चला है और कितने इन्जॉयमेंट के साथ लोग कर रहे हैं यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फ्लोटिंग के द्वारा जो लोगों को डूबने से बचाने का क्रिया चालू किया गया है, काफ़ी अच्छी चीज़ है। और इस प्रकार जो है लोग डूबने से बच सकते हैं, जिसको तैरने वगैरह नहीं आता है वो आसानी से यहाँ पे जो है स्नान वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे किस तरह से
स्नान वगैरह करने के बाद लोग एंजॉयमेंट कर रहे हैं और डूबने का डर भी खत्म हो जाता है। इस तरह से आकर आगे आप घाट में भी स्नान वगैरह कर सकते हैं। जो काफ़ी श्रद्धालु जो यहाँ पर स्नान वगैरह माँ गंगा घाट आते हैं, डूबने से डर लगता है, वो आराम से यहाँ पर स्नान कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी चीज़ है जो है, घाट निर्माण यहाँ पे किया गया है और काफ़ी लोगों की सेफ्टी के साथ जो है, जो पानी में डूब नहीं सके उस हिसाब से यहाँ पर बनाया गया है। और आपने देखा चारों तरफ से घिरा हुआ था फ्लोटिंग, जो लोगों को अगर तैरने आए नहीं तैरने आए लेकिन डूबने का चांस नहीं हो सकता और पानी के बहाव से आगे नहीं जाएंगे, इस प्रकार यहाँ का कार्य निर्माण किया गया है। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, पसंद है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, बाय बाय, सी यू।